आज अबू धाबी में भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। इस पल के पीछे वर्षों की मेहनत लगी है। इसमें वर्ष सपना जुड़ा हुआ है और इसमें भगवान स्वामीनारायण का आशीर्वाद जुड़ा है। आज प्रमुख स्वामी जिस दिव्य लोक में होंगे, उनकी आत्मा जहां होगी वहां प्रसन्नता का अनुभव कर रही होगी। पूज्य प्रमुख स्वामी के साथ मेरा नाता एक प्रकार से पिता पुत्र का नाता रहा। मेरे लिए एक पितृतुल्य भाव से जीवन के एक लंबे कालखंड तक उनका सानिध्य मिलता रहा, उनके आशीर्वाद मिलते रहे और शायद कुछ लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि मैं सीएम था तब भी, पीएम था तब भी, अगर कोई चीज उनको पसंद नहीं आती थी तो मुझे स्पष्ट शब्दों में मार्गदर्शन करते थे। और जब दिल्ली में अक्षरधाम का निर्माण हो रहा था तो उनके आशीर्वाद से मैं शिलान्यास कार्यक्रम में था। तब तो मैं राजनीति में भी कुछ नहीं था और उस दिन मैंने कहा था कि गुरु कि हम बहुत तारीफ तो करते रहते हैं लेकिन कभी सोचा है कि किसी गुरु ने कहा कि यमुना के तट पर अपना भी कोई स्थान हो और शिष्य रूपी हो। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने गुरु की उस इच्छा को परिपूर्ण कर दिया था। आज मैं भी उसी एक शिष्य भाव से यहां आपके सामने उपस्थित कि आज प्रमुख स्वामी महाराज का सपना हम पूरा कर पाए हैं। आज वसंत पंचमी का पवित्र त्योहार भी है, पूज्य शास्त्री जी महाराज की जन्म जयंती भी है। ये वसंत पंचमी ये पर्व मां सरस्वती का पर्व है। मां सरस्वती यानी बुद्धि और विवेक की, मानवीय प्रज्ञा और चेतना की देवी। ये मानवीय प्रज्ञा ही है जिसने हमें सहयोग, सामंजस्य, समन्वय और सौहार्द जैसे आदर्शों को जीवन में उतारने की समझ दी है। मुझे आशा है कि मंदिर भी मानवता के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वसंत का स्वागत करेगा।
ये मंदिर पूरी दुनिया के लिए सांप्रदायिक सौहार्द और वैश्विक एकता का प्रतीक बनेगा। भाइयों और बहनों, यूएई के मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस हिज एक्सेलेंसी शेख नायान अल मुबारक यहां विशेष तौर पर उपस्थित है और उन्होंने भाव भी जो व्यक्त किए, जो बातें हमारे सामने रखी, वो हमारे उन सपनों को मजबूत करने का उनके शब्दों में उन्होंने वर्णन किया है, मैं उनका आभारी हूं। साथियों, इस मंदिर के निर्माण में यूएई की सरकार की जो भूमिका रही, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन इस भव्य मंदिर का स्वप्न साकार करने में अगर सबसे बड़ा सहयोग किसी का है तो मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का है। मुझे पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएई की पूरी गवर्नमेंट ने कितने बड़े दिल से करोड़ों भारतवासियों की इच्छा को पूरा किया है और इन्होंने सिर्फ यहां नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल को जीत लिया। मैं इस मंदिर के विचार से लेकर एक प्रकार से प्रमुख स्वामी जी के स्वप्न से लेकर के, स्वप्न बाद में विचार में परिवर्तित हुआ, यानी विचार से लेकर इसके साकार होने तक पूरी यात्रा में इससे जुड़ा रहा हूं, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और इसलिए मैं जानता हूं कि हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद की उदारता के लिए धन्यवाद ये शब्द भी बहुत छोटा लगता है, इतना बड़ा उन्होंने काम किया। मैं चाहता हूं उनके इस व्यक्तित्व को, भारत यूएई रिश्तों की गहराई को केवल यूएई और भारत के लोग ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भी जाने। मुझे याद है जब मैं 2015 में यूएई में यहां आया था और तब मैंने ही जाने शेख मोहम्मद से इस मंदिर के विचार पर चर्चा की थी। मैंने भारत के लोगों की इच्छा उनके सामने रखी तो उन्होंने पलक झपकते ही उसी पल मेरे प्रस्ताव के लिए हां कर दिया। उन्होंने मंदिर के लिए बहुत कम समय में इतनी बड़ी जमीन भी उपलब्ध करवाई। यही नहीं, मंदिर से जुड़े एक और विषय का समाधान किया। मैं साल 2018 में जब दोबारा यूएई आया था, या संतों ने मुझे जिसका ब्रह्मविहारी स्वामी जी ने अभी वर्णन किया, मंदिर के दो मॉडल दिखाए। एक मॉडल भारत की प्राचीन वैदिक शैली पर आधारित भव्य मंदिर का था जो हम देख रहे हैं, दूसरा एक सामान्य सा मॉडल था जिसमें बाहर से कोई हिंदू धार्मिक चिन्ह नहीं थे। संतों ने मुझे कहा कि यूएई की सरकार जिस मॉडल को स्वीकार करेगी उसी पर आगे काम होगा। जब यह सवाल हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के पास गया तो उनकी सोच साफ, एकदम साफ थी। उनका कहना था कि अबू धाबी में जो मंदिर बने वो अपने पूरे वैभव और गौरव के साथ बने।
वे चाहते थे कि यहां सिर्फ मंदिर बने ही नहीं बल्कि वो मंदिर जैसा दिखे भी। साथियों, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यहां सिर्फ मंदिर बने ही नहीं लेकिन वो मंदिर जैसा दिखे भी। भारत से बंधुत्व की ये भावना वाकई हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। हम इस मंदिर के में जो भव्यता दिख रही है उसमें हिज हाइनेस शेख मोहम्मद की विशाल सोच की भी झलक है।